Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindal Bridge, Ajmer. Estron, Unisex Salon, Kacheri Road, Ajmer. Salon, jo aapko deta hai style. Dekhiye, ek saal pehle, Rajasthan ki 7.5 crore janta ne hame pradesh mein sarkar banane ka mauka diya. Rajasthan ke lokpriya mukhyamantri अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और हमारा पूरा प्रयास रहा पिछले एक साल में कि राजस्थान की जनता से हमने जो जन घोषणा पत्र में वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए हम कार्य कर सकें। आपने देखा होगा कि राजस्थान की में पिछले एक सालों में साल में चाहे किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्जा माफ़ करने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय की बात करें, चाहे हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं उनको बेरोज़गारी भत्ता देने की बात करें, चाहे हमारे अलग अलग क्षेत्रों में मेडिकल के क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, नए चिकित्सा सुविधाओं का विकास करने की बात हो, या ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो राजस्थान की आमजन से हमने किए थे और हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरी संतुष्टि है कि हमने एक साल में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के आमजन की भावनाओं के अनुसार कार्य किया है। और निश्चित रूप से ये एक साल जो कार्य है, हालांकि एक साल में अधिकांश समय आचार संहिता में चुनाव में बीता, उसके बावजूद हमने पूरा प्रयास किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। और जहां तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात करें, मैं मेरे विभाग की बात करूँ तो राजस्थान में 2 विश्वविद्यालय 2013 में पिछली कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खोले गए थे, उन दोनों विश्वविद्यालयों को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए थे, लेकिन दोबारा हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजस्थान में हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, इन दोनों ही विश्वविद्यालयों को पुनः स्थापित किया गया और हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छे तरीके से जयपुर में चल रहा है। जन घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि राजस्थान के युवाओं को हायर एजुकेशन के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इसको ग्रामीण क्षेत्र तक प्रसारित किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे लिया जाएगा। तो 50 नए राजकीय महाविद्यालय पहले बजट में खोलना एक ऐतिहासिक निर्णय था, जहाँ आज़ादी के बाद आज तक पूरे प्रदेश में 250 राजकीय महाविद्यालय हैं, एक साथ 50 गवर्नमेंट के कॉलेज खोले गए और उसमें भी 10 बालिका महाविद्यालय खोले गए जो बालिका शिक्षा को और ग्रामीण शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं। और ये 50 के 50 गवर्नमेंट कॉलेज इसी सत्र में चालू भी कर दिए गए हैं, 10,000 एडमिशन इन दूर दराज गाँव में खोले गए कॉलेजेज में हुए हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कारगर साबित होंगे और राजस्थान के युवाओं को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो MDS यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ पर काफ़ी रिक्त पद हैं और विधि महाविद्यालय यहाँ पर है हमारे यहाँ, उसमें अस्थाई मान्यता को लेकर काफ़ी संघर्ष की स्थिति बनी रहती है हमेशा हर साल, तो स्थाई मान्यता उसे नहीं मिल पा रही। देखिए, MDS विश्वविद्यालय में पिछले कई महीनों से अस्थिरता का माहौल था, यहाँ के जो वाइस चांसलर है उनके अधिकारों को हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला कर दिया गया है और मैं समझता हूँ कि MDS विश्वविद्यालय के विकास के लिए अब निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। जो रिक्त पद है उनको भरने के लिए भी सरकार के द्वारा के पास जो भी प्रपोजल भेजे जाएंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन पदों को भरने के लिए भी हम राजस्थान के तमाम जो विश्वविद्यालय हैं जहां लंबे समय से खाली पद पड़े हैं उनको भरने की कार्रवाई भी करेंगे। और ये एक अच्छा विश्वविद्यालय है MDS का, कि अपनी एक अलग पहचान है, तो निश्चित रूप से MDS विश्वविद्यालय को विकसित करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसमें जो सुविधाओं की कमी है उसको पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से कृतसंकल्प है, पूरा प्रयास भी करेगी। और इसके अलावा भी जो स्किल डेवलपमेंट की बात यदि करें तो अभी हमने थोड़े दिन पहले ही RSLDC के माध्यम से राजस्थान के करीब 150 कॉलेजेस के साथ एक MOU किया है और उसमें हम बच्चों को जो डिग्री देने के साथ साथ रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ
स्किल के कोर्सेज भी करवाएंगे ताकि वो विद्यार्थी अपनी बीए बीएससी या बीकॉम की डिग्री लेने के बाद वो अपने जीवन के क्षेत्र में यदि वो किसी भी तरह का कार्य करना चाहता है तो उसको उस स्किल डेवलपमेंट कोर्स के माध्यम से उसको लाभ मिलेगा, उसको रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे, उसको नौकरियों में के अवसर भी मिलेंगे।